बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पिछले वर्षों में जितनी पारदर्शिता से और जितना सख्त कड़ाई के साथ परीक्षाएं ली गई हैं, उसके विश्वसनीयता की चर्चा न सिर्फ अपने प्रदेश में है बल्कि पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है। उसमें छवि धूमिल होने की बात है कि तुरंत एक्शन लेने की बात है? अभी तक जो पिछले दो चार साल पाँच साल से लगातार बीपी, आप ये जान लीजिए, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पिछले वर्षों में जितनी पारदर्शिता से और जितना सख्त कड़ाई के साथ परीक्षाएं ली गई हैं, उसके विश्वसनीयता की चर्चा न सिर्फ अपने प्रदेश में है बल्कि पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है। और ये भी उसका प्रमाण है कि एक हल्का सा लीक किया, वायरल किया किसी ने, हालांकि उससे किसको लाभ मिला नहीं मिला आप लोग को भी नहीं पता चला होगा, अभी तक किसी को नहीं पता चला, किसी को लाभ नहीं मिला, लेकिन परीक्षाओं में पारदर्शिता रहे, किसी को कोई शक ना हो, इसलिए तुरंत कमेटी बना के रिपोर्ट लेके उसको रद्द कर दिया गया और फिर परीक्षाएं ली जाएंगी और पूरे सख्ती से, पूरे पारदर्शिता से ली जाएंगी। तो ये तो मुस्तैदी से उठाया गया जरा भी शंका होने पर, ये तो जीरो टॉलरेंस वाली बात है कि पेपर लीक होने की बात आई सामने, वायरल हुआ, बात सही था, 150 कितने सेंटर्स पे जाता है, किसी ने मिसचीफ किया, वायरल किया, हालांकि उससे किसी को फायदा मिला ये आप लोगों ने में से भी किसी ने नहीं बताया है, सिर्फ वायरल हुआ। इतने पर भले किसी को फायदा मिला हो या न मिला हो, लेकिन हम लोग इसमें जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं, इसलिए परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। अब फिर नई परीक्षाएं ली जाएंगी और उसी किस्म से ली जाएंगी जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है और सराहना हो रही है। अभी तक एसआईटी की जांच हो रही है लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है, कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है इस मामले में, आपका क्या मतलब लगता है? जब पुलिस जांच कर रही है, हम समझते हैं कि जो भी दोषी हो गए, आप अरेस्टिंग कर रहे हैं उससे भी कोई सख्त कार्रवाई हो सकती है तो वो भी हो। आपके कहने का मुताबिक जो परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने या वायरल होने की बात आई और परीक्षा रद्द कर दी गई, इससे मानसिक प्रताड़ना हो गई और परीक्षा का पेपर लीक होता, परीक्षा ले ली जाती तो सभी प्रसन्नता की बात हो जाती है। अरे रद्द होने से सभी जेन्युइन विद्यार्थी परीक्षार्थी खुश होंगे, जो जरा भी लीक होने की बात हुई तो सरकार ने और आयोग ने सख्त कदम उठाया, इससे तो किसी को प्रताड़ित होने की बात नहीं है। आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।